नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर के पूर्व सांसद व भारत सरकार के पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जनपद के सादात में चल रहे सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिनों के कार्यकाल को ऐतिहासिक कार्यकाल बतलाया। आखिर यह 75 दिनों का कार्यकाल क्यों ऐतिहासिक है, खुद आप उन्हीं की जुबानी सुने। मोटे तौर पर एक महीना 10 दिन से ये सदस्यता चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में उन कामों की चर्चा अध्यक्ष जी ने किया जो पिछली सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे लगता है कि ये जो 75 दिन है मोदी जी की सरकार के, ये शायद इतिहास में अविस्मरणीय 75 दिन हो गए। 75 दिनों में इतने कम समय में सरकार ने इतने महत्वपूर्ण काम किए जिससे देश की एकता अखंडता को मजबूती मिलने वाली है। और संसद के इतिहास में मुझे लगता है कि जो पिछला संसद का सत्र चला है, जितना काम हुआ है शायद अनेक वर्षों में इतना काम संसद में नहीं हुआ। अनेक महत्वपूर्ण कानून लंबे समय से जो देश में प्रतीक्षित थे, और विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा 3 तलाक को समाप्त करने का जो काम किया है सरकार ने, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है। समाज के एक वर्ग की अनेक महिलाएं ने किया है, वैसे ही गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर काम किया। और एक लंबा संघर्ष इस देश में जिस को लेकर के हमारी पार्टी की विचारधारा के लोगों ने किया, हमारे संस्थापकों ने किया, जिस आधार पर हमारी पार्टी बनी भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद, मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता लंबे समय से एक नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा। तो धारा 370 और 35 से तीनों को समाप्त करके मैं मानता हूं कि इससे बड़ा साहस प्रधानमंत्री जी की और प्रस्ताव जो लेकर के आए पार्टी के वर्तमान माननीय अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक नए प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना है, जिसमें भी राष्ट्रभक्ति की भावना है वो समझ रहा कि इस देश को एक रखने की सामर्थ्य या साहसिक निर्णय की जो क्षमता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास है किसी दूसरे राजनीतिक दल